नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडो नेपाल ट्रेन इसी महीने शुरू होगी, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि जोगबनी विराटनगर इंडो नेपाल जो रेल प्रोजेक्ट है, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा और इसी के साथ बिजली से मालगाड़ी जो है वो दौड़ेगी। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के साथ ही इसी महीने बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक करीब 8 किलोमीटर तक ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना इस वर्ष नहीं के बराबर है, क्योंकि महज 700 मीटर के जमीन विवादित ज़मीन को लेकर ये पेंच जो है वो फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने में कम 7-8 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि इसी विवादित ज़मीन पर यार्ड का निर्माण भी होना है, जिससे कई बिल्डिंग भी जो है यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार के उपक्रम और निर्माण कंपनी इरकॉन के महाप्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि पूरे इंडो नेपाल प्रोजेक्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है और बथनाहा तक काम जो है वो पूरा हो चुका है। प्रथम फेज में जो है पैसेंजर ट्रेन की बजाय मालगाड़ी चलाई जाएगी और मालगाड़ी भी बिजली पर जो है वो चलेगी। जीएम ने कहा कि बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक 8 किलोमीटर इसी महीने ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू होना है। सिर्फ पीएमओ से हरी झंडी मिलने का इंतज़ार है। यह भी कहा कि 8 किलोमीटर तक इस माह जो है वो ट्रेन का परिचालन संभव है। जीएम ने कहा कि जिस जगह नेपाल में स्थित 1200 मीटर में यार्ड का निर्माण होना है, वहीं से करीब 700 मीटर ज़मीन विवादित में फंसा हुआ है। जब तक विवादित ज़मीन का कोई समाधान नहीं होता, उसे पूरा करने में कम से कम 7-8 महीने जो है वो लग सकता है। इसके साथ ही यह भी बताया कि पूरा हो चुके 16.8 किलोमीटर तक का जो निरीक्षण है, वो भी जल्द दोनों देश के अधिकारियों की टीम मिलकर करेंगे। और इधर फोर्बिसगंज का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और बथनाहा स्टेशन पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो इंडियन कस्टम यार्ड तक ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी करीब 8 किलोमीटर और पैसेंजर के बजाय इस पर जो है मालगाड़ी का परिचालन किया जाएगा और वो भी इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद। तो इस महीने उम्मीद है कि चलाई जा सकती है। अभी जो है हरी झंडी मिलना बाकी है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि इस महीने ट्रेन जो है वो इंडिया से नेपाल के बीच चल सकती है। हालांकि इंडिया के कस्टम यार्ड तक ही ये ट्रेन रहेगी। तो ये थी अपडेट इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं कहता हूं लेकिन सब्सक्राइब जो है बहुत सारे फ्रेंड नहीं करते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की हर अपडेट आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।